أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. हमारे पास बिजली की जो सेकंड टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. इसमें बिजली इस तरह बिहेव कर रहा है कि ये इसके अंदर कोई अनसैचुरेशन नहीं है, यानी बिजली अपने थ्री पाई बांड को छुपा के रखता है. इससे पहले वाले रिएक्शन में बिजली की एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं रही, यानी बेंजीन एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ हाइड्रोजनेशन में भी और हाइड्रोजनेशन में भी. लेकिन अभी हम जो रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वो इसमें बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है यानी अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो है वो रिटेन रहता है. तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डिफाइन करता हूँ. रिप्लेसमेंट अब चूंकि हेडिंग में लिफल इस्तेमाल हुआ है तो मैं यहां पर आर सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन आर मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन बाय another atoms or groups is called substitution reaction. अब बेंजीन की तरफ जो भी ग्रुप आएगा तो वह हमेशा इलेक्ट्रोफाइल होगा. वजह कि बेंजीन जो है इट इज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. तो इसमें जो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो हमारे पास है नाइट्रेशन. नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करूंगा द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय नाइट्रो ग्रुप इन बेंजीन इज कॉल्ड नाइट्रेशन. और ये रिएक्शन इन द प्रेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होगा. कौन सल्फ्यूरिक एसिड? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो इन दिस रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट एंड इन दिस रिएक्शन द कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज एक्टिंग एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट. तो पहले हम ऋषि की तरफ देखते हैं. प्लस HONO2 क्या है? नाइट्रिक एसिड है. कौन सा नाइट्रिक एसिड? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड विच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट टू फॉर्म नाइट्रो बेंजीन और प्लस वाटर. अब इस रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड जो किस तरह एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है तो थोड़ा सा मैं रफ वर्क की तरह बताता हूं. यह हमारे पास नाइट्रिक एसिड है जिसे हम दो हिस्सों में लेते हैं NO2
और प्लस एच इज तो फोर एच सल्फ्यूरिक है जनाब, सल्फ्यूरिक है लेकिन लिखने का अंदाज है। अब ये OH इनके साथ मिलकर हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा वाटर H2O, और ये इलेक्ट्रॉन जो H और NO2 के दरमियान ये OH के साथ चले जाएंगे, तो यहां पर आगे पास हो जाएगा जनरेट हो जाएगा NO2 प्लस या नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है इलेक्ट्रोफाइल, व्हाट इलेक्ट्रोफाइल इन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विद पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल, और H2O4 बाइसल्फेट आयन, क्या लिखूं बाइसल्फेट आयन, बाइसल्फेट आयन। अब ये नाइट्रोनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है इफ इट टेक बेंजीन रिंग, इफ इट टेक बेंजीन रिंग एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, और एक पाई बॉन्ड बेंजीन का टूटकर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड में। अब यहां पर ये पाई बॉन्ड दोनों कार्बन के लेता, लेकिन ये पाई बॉन्ड यहां से चलकर यहां पर आ गया सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यानी नाइट्रोनियम के साथ बॉन्ड बन गया बेंजीन का, NO2 के साथ बॉन्ड बन गया, तो यहां पर ये कार्बन जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया, वही कि यहां से पाई इलेक्ट्रॉन जो यहां पर थे वो कौन ले गया नाइट्रो ग्रुप ले गया जो इलेक्ट्रोफाइल था। अब इस कार्बन के पास तीन ऑप्शन थे, या तो ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे ये पाई इलेक्ट्रॉन, या ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर और NO2 को फारिग कर दे, या ये कार्बन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे यानी हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन है इसको अट्रैक्ट करे। तो तीन ऑप्शन में कार्बन के जो सही ऑप्शन है वो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो यहां पर आ जाएगा पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। वजह है कि यहां पर ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की ड्यूटी सबसे कम है, यानी जिस तरह हम घर में जब किसी छोटे बच्चे के हाथ में कोई चीज होती है तो आसानी से छीन सकते हैं, अगर वो नहीं भी दे रहा तो इस तरह हाथ पकड़ के इसको मुंह हथेली खोल के से ले लेते हैं। तो यहाँ भी मिसाल हाइड्रोजन की मिसाल क्या है छोटे बच्चे जैसी है, यहां से इसको हम बदल से फारिग कर लेते हैं, और हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन बेंजीन रिंग को छोड़ देगा और क्या बन गया नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन और प्लस प्रोटॉन, यानी हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन बेंजीन रिंग को फारिग करेगा फारिग हो जाएगा। ये प्रोटॉन बाइसल्फेट आयन के साथ मिलकर वापस H2O4 बनाएगा H2O4। तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड को यहां इस्तेमाल किया, इससे एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, जब मिशन एंड हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड को हमने वापस हासिल किया। इट इज द फंक्शन ऑफ ए कैटलिस्ट व्हिच इज परफॉर्म बाय सल्फ्यूरिक एसिड। तो इट वाज अबाउट द नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन, सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाई नाइट्रो ग्रुप इसका नाइट्रोजन ऑफ बेंजीन, इन दिस रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड लगे कह रहे कैटलिस्ट, इन द नाइट्रिक एसिड देखेंगे दे नाइट्रेटिंग एजेंट बिकॉज ही इंट्रोड्यूसेस द नाइट्रिक एसिड रिड्यूसेस इट्स ओन नाइट्रो ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं छोटे मोटे फॉर्म में बयान करूं कि व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज एडेड टू बेंजीन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, इट इज कॉल्ड नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, the replacement of the replacement of
The replacement or substitution of hydrogen atom of benzene by sulfonic group is called sulfonation. In this reaction, two molecules of sulfuric acid are involved. One molecule is acting as a sulfonating agent, while the other molecule of sulfuric acid is acting as a catalyst. So, agar ये क्या है सल्फ्यूरिक ग्रुप यानी सल्फ्यूरिक एसिड लिखने का एक अंदाज है सल्फ्यूरिक ग्रुप और ये क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द प्रेस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जो इट इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट एंड दिस सल्फ्यूरिक एसिड इज एक्टिंग एज ए सल्फोनेटिंग एजेंट बिकॉज इन दिस रिएक्शन द सल्फ्यूरिक एसिड इंट्रोड्यूसेस its sulfonic group in benzene. When sulfonic group is added to benzene in place of hydrogen, it is called sulfonation. और यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड होगा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड होगा अब ये रिएक्शन हम जगह हम यहां पर हम इसमें हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं व्हाट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन सल्फर ट्राइऑक्साइड इज डिजॉल्वड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट इज नोन एज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग कहने का मतलब ये कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर हम सल्फर ट्राइऑक्साइड बाय प्रेशर डिजॉल्व करें अंडर प्रेशर डिजॉल्व करें तो जो इसके बॉर्डर से हम ढकना उठाते हैं तो हमें SO3 के फ्यूम बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे मिल जाएंगे इसको हम थोड़ा सा मिलाकर पढ़ें तो इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं H2O7 वजह कि SO3 और H2O4 से यही कुछ बनता है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड पायरो PY R-O-S-U-L-P-H-U-R-I-C पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसका हम ओलियम भी पढ़ते हैं ओलियम मेरे कहने का मतलब यह है कि बेंजीन रिएक्ट विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच इज आल्सो नोन एज ओलियम टू फॉर्म बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड फ्यूमिंग H2O4 यानी SO3 प्लस H2O4 और ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पॉसिबल है तो क्या बनेगा बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड तो ये रिएक्शन जो है ये बेंजीन की कहलाते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी है वो रिटेन रही यानी बेंजीन ने अपने पाई बॉन्ड को इस्तेमाल नहीं किया बेंजीन ने अपने पाई सिस्टम को पाई इलेक्ट्रॉन को रिटेन रखा यानी बेंजीन ने इस तरह बिहेव किया कि बेंजीन एक सैचुरेटेड कंपाउंड है वो किसी सूरत में पाई इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार नहीं है अपनी एरोमेटिसिटी को रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है तो इन रिएक्शन में बेंजीन रिएक्टिंग एज ए सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड बाद में इस रिएक्शन में एग्जाम पूछते हैं कि राइट डाउन इट इज टू रिएक्शन बेंजीन बिहेव एज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड एज वेल एज सैचुरेटेड कंपाउंड तो इनमें जो हमारे पास हाइड्रोजनेशन है और हाइड्रोजनेशन है
जिनमें बेंजीन की एरोमेटिसिटी रिटेन नहीं रही थी, मेंटेन नहीं रही थी, और अनसैचुरेटेड बेंजीन जो सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजनेशन में और हैलोजनेशन में, तो वो बेंजीन जो है बिहेव करता है एज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और भी जो हमने दो रिएक्शन पढ़े हैं नाइट्रेशन सल्फोनेशन, इसमें बेंजीन ने इस तरह बिहेव किया, बेंजीन ने इस तरह बिहेव किया कि बेंजीन क्या है, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यानी अगर कोई ग्रुप आना चाहते हैं तो बेशक हाइड्रोजन की जगह है लेकिन बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को रिटेन रखेगा हर हाल में, बिकॉज बेंजीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप, इज कॉल्ड फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। यानी अगर हम बेंजीन के अंदर कोई भी अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल हाइड्रोजन की जगह रखें, इन द प्रेस ऑफ एनहाइड्रस इन अमोनियम क्लोराइड लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट करें टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन, एक जनरल टर्म में इस्तेमाल करता हूं प्लस HCl, इसका फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन, यानी रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप या सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप, इसका फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। या व्हेन अल्काइल ग्रुप इज एडेड टू बेंजीन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज कॉल्ड फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब अगर हम बेंजीन के अंदर मिथाइल रखे, स्पेसिफिक की तरफ आते हैं, क्या रखे, मिथाइल रखे इन द प्रेस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड व्हिच इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट, इट इज आल्सो नोन एज लेविस एसिड, तो हम टर्मिन हासिल कर लेते हैं। हमने क्या रखा, हमने मिथाइल ग्रुप को ऐड किया बेंजीन के अंदर इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, दैट कॉल्ड फ्रेडरक्राफ्ट मिथाइलेशन, मिथाइलेशन द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय मिथाइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेडरक्राफ्ट मिथाइलेशन। इस तरह अगर हम मिथाइल की जगह हम इथाइल रखें तो फिर पढ़ेंगे फ्रेडरक्राफ्ट इथाइलेशन। अगर हम प्रोपाइल रखते हैं हाइड्रोजन की जगह, यानी हम प्रोपाइल ग्रुप ऐड करते हैं, क्या करते हैं, प्रोपाइल ग्रुप ऐड करते हैं इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, दैट कॉल फ्रेडरक्राफ्ट प्रोपाइलेशन, प्रोपाइलेशन। और जनरली ये कहलाएगा फ्रेडरक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ा दूं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या लेविस एसिड, तो मैं एक सिंपल इसको एक्सप्लेन करूंगा, मिथाइल क्लोराइड है इसकी जगह आप इथाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड भी ले सकते हैं, और प्लस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड व्हिच इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, तो यहां से यानी CH3 प्लस और AlCl4 माइनस, CH3 प्लस क्या है, कार्बोनियम है, इलेक्ट्रोफाइल है, सिंपल इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर है, व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल, एन एटम आर ग्रुप ऑफ एटम विद पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहां जाएगा, बेंजीन के पास जाएगा इन सर्च ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेंजीन जो है ये इलेक्ट्रॉन रिस्पिशी है, तो जब बेंजीन पर अटैच करेगा, कहां पर अटैच करेगा, एट द पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन, एट द पॉइंट ऑफ यानी यहां पर अटैच करेगा, या यहां पर, या यहां पर जहां पर पाई बॉन्ड है वहां पर अटैक कर सकता है CH3 प्लस। तो मेरे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा। अब यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं दोनों कार्बन के लिए थे,
लेकिन ये इलेक्ट्रॉन यहां से चलकर यहां पर आ गए, यानी तीसरे इस्तेमाल किया, यानी पाई बॉन्ड टूटकर सिवा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, तो यहां पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो बेंजीन के अंदर बेंजीन रिंग में जब किसी भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, किसी फिनोनियम आयन, फिनोनियम आयन, लेकिन एलिफेटिक कंपाउंड में अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो कार्बोनियम आयन, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैं यहां पर एक ओपन चेन कंपाउंड लेता हूं, अब यहां पर किसी एक कार्बन के ऊपर अगर आप पॉजिटिव चार्ज लिखे यहां पर लिखे या यहां पर या यहां पर एक बॉन्ड को तोड़कर, तो दैट कॉल्ड कार्बोनियम आयन। लेकिन अगर ये चार पॉजिटिव चार्ज किसी एरोमेटिक कार्बन के ऊपर हो बेंजीन रिंग के अंदर, दैट कॉल्ड फिनोनियम आयन। अब फिनोनियम आयन जो है ये कंस्टेबल चीज है। अब यहां पर इस कार्बन के लिए कई ऑप्शन थे, या तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, या ये इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, या यहां पर जो पाई बांड है ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बिकॉज ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर सबका बस चलता है, वही कि छोटा एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, कार्बन के मुकाबले में कम है, यहां भी कार्बन इसके मुकाबले में कम है, और ये कार्बन तो है इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस एलिमेंट को फारिग करेंगे हम, तो क्या बना, टॉलुइन बन गया। अब हाइड्रोजन रिंग को छोड़ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, एज ए प्रोटॉन। अब ये हाइड्रोजन आयन AHCl4 के पास चला जाएगा कॉम्प्लेक्स से, तो बनेगा AHCl3 और प्लस HCl, यानी हमने एल्युमिनियम क्लोराइड को यूज किया, इससे हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया, और जब हमने रिएक्शन कंप्लीट किया तो रिएक्शन के एंड पर हमने अपने कैटलिस्ट को वापस ले लिया, इट इज द फंक्शन ऑफ AHCl3 इन दिस रिएक्शन, सो दैट कॉल्ड फ्रेडर क्रॉस अल्काइलेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, या व्हेन अल्काइल ग्रुप इज एडेड टू बेंजीन इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, या द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन बाय अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड फ्रेडर क्रॉस अल्काइलेशन। अगर मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिथाइलेशन, अगर इथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इथाइलेशन। अब आपके बुक में यहां पर इसमें लिमिटेशन है, लिमिटेशन दो लिमिटेशन इस तरह है कि हम अगर चाहते कि सिर्फ टॉलुइन बना लें तो टॉलुइन का कंडीशन स्टॉप नहीं होगा, आगे भी जाएगा, ज़ेरिन बनेगा, मिथाइलिन बनेगा, ड्यूरिन बनेगा, यानी मोनो अल्कलाइड बेंजीन नहीं बनेगा, यहां पर डाई अल्कलाइड बेंजीन, ट्राई अल्कलाइड बेंजीन एंड सो ऑन, और पॉली अल्कलाइड बेंजीन बनेगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ टॉलुइन बनाना चाहते हैं तो सिर्फ टॉलुइन नहीं बनेगा, ये रिएक्शन प्रोसीड होगा, सिर्फ टॉलुइन नहीं बनेगा, नेवर। अगर मैं यहां पर कैटलिस्ट इस्तेमाल करूं एनहाइड्रस, तो सिर्फ टॉलुइन नहीं बनेगा, ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा, टॉलुइन बनेगा, ज़ेलिन बनेगा, इस तरह तीन, अगर तीन अल्काइल ग्रुप हो तो मिथाइलिन, अगर चार मिथाइल ग्रुप हो तो फिर क्या, ड्यूरिन। तो बहरहाल पॉली अल्कलाइड बेंजीन में कह सकते हैं, पॉली अल्कलाइड बेंजीन यानी तमाम हाइड्रोजन बिस्तर रिमूव हो सकते हैं। तो ये इनकी ड्रॉबैक्स, अगर मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ टॉलुइन बना लूं तो टॉलुइन की लेवल तक रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, तो ये एक ड्रॉबैक है। दूसरी बात ये, फॉर एग्जाम्पल बाद अगर हम चाहते कि हम इम्प्रोपाइल बेंजीन बना लें, इम्प्रोपाइल बेंजीन बना लें, तो इम्प्रोपाइल बेंजीन के लिए हम इम्प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे, इम्प्रोपाइल क्लोराइड लेंगे इन द प्लेस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर हमें क्या मिलना चाहिए, इम्प्रोपाइल बेंजीन मिलना चाहिए, वही कि हमने इम्प्रोपाइल क्लोराइड लिया, इम्प्रोपाइल क्लोराइड लिया, लेकिन इम्प्रोपाइल क्लोराइड नहीं बनेगा। वजह यह है कि जब हम यहां पर कार्बोनियम आयन या इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं AHCl3, यानी हमारे पास जब यहां पर कार्बोनियम आयन जनरेट हो जाता है, बट कार्बोनियम आयन कार्बन पास और चार्ज, इस कारण कार्बोनियम आयन, तो यहां पर जो चार्ज है, जिस कार्बन के ऊपर चार्ज है, ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन कहलाएगा, और प्राइमरी कार्बोनियम आयन स्टेबल नहीं है, तो इनके नजदीक सेकेंडरी कार्बन है, तो एकदम से ये पावर चार्ज यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो यहां पर CH3 CH
और सी स्त्री। तो यहां पर अब पहले पॉइंट ऑफ अटेनमेंट यहां था, यहां पर था, लेकिन चौका ये प्रेमिस है कार्बोनिफाइन स्टेबल नहीं है, तो ये पर चार्ज यहां शिफ्ट हुआ और अब ये सेकेंडरी कार्बोनिफाइन कहलाता है। सेकेंडरी कार्बोनिफाइन जो है इन व्हाट इज सेकेंडरी कार्बोनिफाइन, जिस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी है। द सेकेंडरी कार्बन एटम हैविंग पॉजिटिव चार्ज कार सेकेंडरी कार्बोनिफाइन, इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे अल्काइल के चैप्टर में बड़ा तौर से हम यहां। तो यहां पर जो सेकेंडरी कार्बोनिफाइन बन गया और बनना चाहिए था कौन सा प्राइमरी कार्बोनिफाइन बन गया, लेकिन वो स्टेबल नहीं है, उसने अपने आप को रीअरेंज किया, अपने आप को रीअरेंज किया। तो अब जब सेकेंडरी कार्बोनिफाइन बन गया तो सेकेंडरी कार्बोनिफाइन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और बनेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो ये सेकंड ड्रॉबैक है फ्रेडक्राफ्ट रिएक्शन का। एक ड्रॉबैक क्या है कि वी कैन नॉट स्टॉप द रिएक्शन एट द मोनो अल्काइल बेंजीन, यानी कि हद तक हम इस रिएक्शन को स्टॉप नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि अगर हम इन प्रोपाइल बेंजीन बनाना चाहते हैं तो इन प्रोपाइल बेंजीन नहीं बन रहा, कौन सा बन रहा है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। हमने इसके साइड पर इन प्रोपाइल को रेड दिया, इन प्रोपाइल को राइट बन दिया, लेकिन इन प्रोपाइल को राइट जो है इसे इन प्रोपाइल बेंजीन बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बन रहा है। इट इज द एंड ऑफ फ्रेडक्राफ्ट अल्केनेशन। अब थोड़ा सा हम रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एसाइलेट की तरफ आते हैं। ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, अगर एसिटिक एसिड में मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप को रिप्लेस करूं विद हैलोजन, या सपोज मैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप रिमूव कर रहा हूं और कोई हैलोजन सपोज क्लोरीन लगा रहा हूं, तो ये कहलाएगा एसिटिक एसिड के हवाले से ये कहलाएगा एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अगर हम एसिटिक एसिड का अयूपैक नाम कह दें इथेनोइक एसिड, क्या इथेनोइक एसिड, तो उस लिहाज से पहले नाम हो जाएगा इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड। अब अगर ये चीज ये क्लोरीन बमाइल इलेक्ट्रॉन के मैं रिमूव करूं सपोज स्तर में इस फॉर्म में आ जाऊं, इसे एसीलियम आयन, एसीलियम आयन आर एसीटोनियम आयन, आर एसीटोनियम आयन, ACETON एसीटोनियम आयन। अगर सपोज मैं इस तरह करूं कि मैं इसको यू लिखूं, यू लिखूं, यानी इस कार्बन के ऊपर कोई पार्ट चार्ज ना हो, तो फिर ये कहलाएगा रेडिकल, तो फिर ये कहलाएगा एसाइल रेडिकल, क्या एसाइल रेडिकल। तो बाद एसाइल रेडिकल, एसाइल रेडिकल। बहरहाल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एसाइल ग्रुप, इन बेंजीन फॉर हाइड्रोजन, फॉर हाइड्रोजन इज कॉल्ड फ्रेडक्राफ्ट एसाइलेशन। तो यहां पर बेंजीन रिफ्यूज द एसिटाइल क्लोराइड, व्हाट एसिटाइल क्लोराइड डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड, इसको हम एसिटाइलेट भी कहते हैं। इंशाल्लाह इसको हम कार्बोक्साइलिक के चैप्टर पढ़ेंगे, कार्बोक्साइलिक के जो चैप्टर होगा वहां जब डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्साइलिक एसिड पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसको हम याद रखें एसिटाइल क्लोराइड ये इट इज डेरिवेटिव ऑफ एसिटाइल क्लोराइड और इथेनोइल क्लोराइड, इथेनोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस
एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर जो प्लॉट बनेगा प्लस HCl। अब देखिए अगर मैं यहां पर हाथ रखता हूं, इस रिंग को छुपाता हूं, तो ये कहलाएगा एसीटो ग्रुप। यहां पर मैंने कहा एसीटो ग्रुप, एसीटो ग्रुप कौन सा ग्रुप? एसीटो ग्रुप। अब चार तो है नहीं यहां पर, अगर मैं यहां पर इसकी पर हाथ रखू तो ये एसीटो ग्रुप है। अगर यह मैं यहां पर हाथ रखता हूं तो ये फिनाइल ग्रुप है। क्या ग्रुप है? फिनाइल ग्रुप। दोनों मिलाएंगे तो दोनों मिलकर ये बनता है कीटोन। व्हाट इज द कीटोन? अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो, दैट कॉल्ड कीटोन। तो हम एसीटो, ये ग्रुप क्या? एसीटो। कौन सा ग्रुप? एसीटो। और ये ग्रुप कहते हैं फिनाइल, ये ग्रुप कहते हैं फिनाइल। दोनों में क्या बनते हैं? कीटोन। तो जिस तरह प्रोपेन के आखिर में ई आता है तो प्रोपानोन कीटोन बन जाता है, ब्यूटानोन, ब्यूटेन के आखिर में ई आते ब्यूटानोन। तो फिनाइल का जो आखिर में वाइल आता है वाई एल, तो इसको हम चेंज कर देंगे ओ एन के साथ। जिस तरह ब्यूटेन से ब्यूटानोन, तो ब्यूटेन के वहां पर ब्यूटेन से ब्यूटानोन या पेंटेन से पेंटानोन, जिस तरह एसीटोफिनोन, यानी यहां पर फिनाइल था, ये फिनाइल सिर्फ ये फिनाइल है, तो वाई एल हटाकर क्या लेंगे? ओ ई फॉर कीटोन, बिकॉज इट इज कीटोन। कीटोन की पहचान क्या है? अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो तो एसीटोफिनोन, या इसका अगर सिंपल नाम में कॉमन नेम तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन। अब यहां पर आपके बुक में रिशन तो नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर हम किसी एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड के साथ अगर हम बेंजीन का रिएक्शन करें तो तब भी एसीटोफिनोन बनेगा, एसीटोफिनोन। तो जिक्र तो है लेकिन रिएक्शन नहीं है, बाहर रिएक्शन याद है कि जरा बेंजीन प्लस इथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको हम कार्बोक्साइल की चुप्र मिलती नाम चल पढ़ेंगे, इथेनोइक इथेनोइक एनहाइड्राइड आर एसिटिक एनहाइड्राइड। और ये भी कोई लेवल एसिड ले ले, फॉर एग्जाम्पल आप एनहाइड से एल्युमिनियम क्लोराइड ले ले, या बी थ्री ले ले, बी थ्री भी यहां पर एक एड्रेस इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एनहाइड्रस